टेलीविजन पर मारूफ मौसीकार सुहेल राणा के प्रोग्राम संग संग चले से मौसीकी की शुरुआत करने वाली नाजिया हसन और उनके भाई जुहैब को पाकिस्तान में पॉप मौसीकी का बानी कहा जाता है। अस्सी की दिहाई में भारतीय फिल्म साज फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में गाए गीत ने नाजिया हसन पर शोहरत के दरवाजे खोल दिए थे। सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ये दो आवाजें थी नाजिया और जुहैब की, जिन्होंने एक बेस बनाई कि इस तरह भी गाना गाया जा सकता है, जो कि बाहर का इन्फ्लुएंस था मगर बड़ा फ्रेश इन्फ्लुएंस था। नाजिया और उनके भाई जुहैब के मुश्तरका म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने ने फरोख्त का एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। नाजिया ने पाकिस्तान की शोबा मौसीकी में उन लोगों के लिए भी राह हमवार की जो आज से 30 साल पहले शोबा मौसीकी के इंतखाब के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। नाजिया हसन को फनी खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। ये रिकॉर्ड होता था मार्केट में कि उनकी एल्बम आई और किस तरह से सेल हो रही है, प्लस उनका ईस्टर्न ईस्ट वेस्ट दोनों फ्लेवर से उनके म्यूजिक में। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली नाजिया हसन फेफड़ों के सरतान के मूजी मर्ज में मुब्तला हुई। 13 अगस्त सन 2000 को खाली के हकीकी से जा मिलने वाली नाजिया हसन की फनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। आफताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला